नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और सरकार से संवाद का कारवां आज पहुंचा है पंचकुला। आज बात होगी हरियाणा सरकार के 3.5 साल के विकास कार्यों के दावों की। हरियाणा में पहली बार अपने बलबूते पर बनी बीजेपी सरकार के सामने कई चुनौतियां रही हैं। विकास के साथ साथ विवादों का दौर सरकार ने देखा है, लेकिन इन चुनौतियों को किस तरीके से पार किया है बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि सरकार ने तमाम ऐसे विकास कार्य किए हैं जिनके बलबूते पर सरकार मिशन 2019 से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड बनाने जा रही है। सरकार ने जाट आरक्षण से लेकर रामपाल राम रहीम का मुद्दा जोरों शोरों से देखा है, लेकिन इसके बावजूद एसवाईएल किसान जेबीटी नियुक्तियों को लेकर सरकार लगातार आगे बढ़ी है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, शिक्षित पंचायत और इसके साथ साथ केरोसिन फ्री हरियाणा को लेकर सरकार अपने उपलब्धियों के दावे करती आई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर बात करें तो यहां पर सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि लिंगानुपात में तमाम बदलाव देखे गए हैं और इन्हीं बदलावों के बलबूते पर, उपलब्धियों के बलबूते पर सरकार जो है मिशन 2019 से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मिशन 2019 से पहले हरियाणा की जनता इन तमाम वादों पर, दावों पर अपनी मुहर लगाएगी? जो बजट में सरकार की तरफ से वादे किए गए थे, क्या सरकार उन्हें पूरा कर पाई है? प्रदेश में वित्तीय बोझ के बाद और प्रदेश के विकास को लेकर वित्त मंत्रालय की क्या कुछ भूमिका रही है, और मिशन 2019 से पहले क्या हरियाणा सरकार विपक्ष को जवाब दे पाएगी? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा जी और उनके साथ हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। सरकार से संवाद एक ऐसा कारवां जहां पर सीधे सरकार से जनता सवाल करेगी और इन्हीं सवालों के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा, जनता और तमाम पत्रकार भी उनसे सवाल करेंगे। ओवर टू यू सर। धन्यवाद मोनिका। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। धन्यवाद दिनेश जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके माध्यम से जी न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल के सभी दर्शकों का और यहाँ उपस्थित सभी भारत के भविष्य जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जी कैप्टन साहब, सरकार से संवाद के जरिए हमारी कोशिश ही रहती है कि सीधा संवाद हो, ना सिर्फ हमारे सवाल बल्कि जो जनता के सवाल है, बच्चों के सवाल है जो कि देश का भविष्य है, और पत्रकार क्रेडिबल जर्नलिस्ट उनके सवाल हो। 3.5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है हरियाणा सरकार का, हरियाणा में बीजेपी की पहली सरकार का, उसको लेकर सीधा संवाद हो, ये हमारी कोशिश है। सच जो है वो लोगों के सामने आए कि आपने 3.5 साल में क्या किया और आगे जो 1.5 साल आपके पास बचा है किस तरह से आप अपने जो वादे हैं वो पूरे करने जा रहे हैं, आपने कितने वादे पूरे किए हैं, और 5 साल बाद जनता के सामने जब आप जाएंगे तो किन किन इश्यूज़ को लेकर जो है मैदान में, दंगल में, 2019 का जो दंगल होगा उसमें उतरेंगे। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप 3.5 साल के जो आपके जो काम है उनको लोगों के सामने रखें। देखिए, उससे पहले मैं आपका एक और बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में ये बहुत आवश्यक है जी कि जो चुनी हुई सरकार है वह बार बार जो देश के मालिक हैं उनके बीच में जा कर के उनके सवालों के जवाब देने का काम करें। इससे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है और ये एक बहुत अच्छा प्रयास आपने किया है जी। मुझे जो अवसर दिया आपने पिछले 3.5 वर्षों में, हरियाणा में पहली बार एक ऐसी सरकार को जनता ने चुना जो सरकार किसी एक परिवारवाद की राजनीति से ग्रस्त नहीं थी। अभी तक के हरियाणा में जब भी कोई सरकार बनी तो किसी न किसी एक परिवार का और उस परिवार के लोगों का ही उस पर राज रहा, या परिवार नहीं तो कोई न कोई वर्ग विशेष उस पर हावी रहा जी, या किसी न किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व उस सरकार ने किया। दुर्भाग्य से 50 वर्षों में हरियाणा में जब भी विकास हुआ तो किसी क्षेत्र विशेष का, जहाँ पर सरकार के मुखिया बनकर के आए, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र का किया। हमने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास जी, कि पंचकुला से लेकर के पलवल तक सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो हमारी सरकार का समर्थन करने वाला विधायक हो या नहीं हो, हमने सब जगह पूरा जो बजट का डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन वो हमने उसको इक्विटेबल किया, बराबर किया जी।
और दूसरा हमने नारा दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक। ये हरियाणा अपने अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे कर रहा है जी। अभी हम 51 पूरे करके 52वें वर्ष में हैं और हरियाणा ने देश में एक आर्थिक जगत पर एक अपनी पहचान तो बनाई, लेकिन हरियाणा की अपनी कोई एक पहचान, हरियाणा की अपनी एक आइडेंटिटी के व्हाट डज हरियाणा रिप्रेजेंट, हरियाणा के लोग कौन हैं क्या हैं, उसको एक आइडेंटिटी देने का काम हमने कोशिश की कि हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जो प्रोग्रेसिव स्टेट है, जो इंक्लूसिव स्टेट है, सबको साथ लेकर के चलने वाली स्टेट है। और ये स्टेट में गुरुग्राम जो हमारा गुरगांव जिसको हम पहले कहते थे, ये देश का एक आर्थिक राजधानी के तौर पर उभर रहा है। आईटी सेक्टर में पूरे विश्व का 5% से अधिक जो बीपीओ सेक्टर का कारोबार गुरगांव से निर्धारित होता है। फॉर्च्यून 500 की जो कंपनियां हैं 200 के करीब, उन 200 के करीब कंपनियों का गुरगांव के अंदर प्रेजेंस है। तो हमने एक नई पहचान हरियाणा को देने की कोशिश की, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो हरियाणा इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक फैक्टर था जी। जो ग्लोबल रैंकिंग होती है जिसको वर्ल्ड बैंक रैंकिंग करता है, देश में हम 14वें नंबर पर थे जी। उससे हम हमारे एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी 2015 में हम लेकर के आए जी। आज हम देश में नंबर 1 पर हैं। तो हम एक नया इंडस्ट्रियली प्रोग्रेसिव स्टेट की पहचान आज हरियाणा को हमने देने का काम किया है। उसके बाद जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी जी। उसमें हमें हैरानी हुई कि आज के इस आईटी के युग में जो हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनकी संख्या लगभग 26 लाख बताई जाती थी, जब हमने अधिकारियों से ये जानकारी मांगी कि इन 26 लाख का रिकॉर्ड क्या है, तो हमें कोई भी कंप्यूटर पर ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता था, सब चीज़ रजिस्टर्स में होती थी। हमने लगा इस तरह से तो बजट को हम पर चाइल्ड बजट जाता है लगभग 30,000 रुपया सालाना सरकार से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एवरेज बजट जाता है। अब हमें कैसे पता चले कि वो प्रत्येक बच्चे को उसका लाभ मिला है कि नहीं मिला है? तो हमने उसको कहा कि नहीं, इसको कम्प्लीटली आप हर स्कूल से ऑनलाइन करें। ऑनलाइन किया तो पता चला कि 4 लाख जो है वो संख्या ही फर्जी दिखाई हुई थी, यानी कि किसी को मालूम नहीं था। तो देन वी रियलाइज के अब यहाँ पर आवश्यक है कि सरकार के बजट से गया हुआ एक एक पैसा वो ठीक जगह पर पहुँचता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पूरा रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए। फिर साथ में कहा कि पैसा अब किसी को कैश नहीं जाएगा, उसके बैंक अकाउंट में जाएगा अगर किसी को डायरेक्ट बैंक अकाउंट पैसा जाना है। उस प्रकार से कई लाख लोगों के परिवारों का ऑनलाइन जो राशन की दुकानें से जो राशन मिलता था, अब वो केवल मात्र कंप्यूटराइज पॉइंट ऑफ सेल जो पॉस मशीन हम कहते हैं उसके थ्रू उसको स्मार्ट कार्ड से वो राशन मिलता है। अदरवाइज कोई गलत आदमी राशन किसी का ले नहीं सकता। केरोसिन को हमने कहा कि केरोसिन गरीब परिवारों को केरोसिन का तेल मिलता था, देखा कि लोगों को जिनको चाहिए उनको मिलता नहीं था। हमने कहा कि कोई केरोसिन नहीं हरियाणा में, हम कोई घर नहीं छोड़ेंगे जिस घर में गैस का कनेक्शन नहीं होगा, और उसके लिए सरकार ने योजना निकाली। आज हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि हम गांव-गांव जाकर के पूछते हैं कि जिसका गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं है वो 24 घंटे के भीतर अगर उसको नहीं मिलता है तो डिप्टी कमिश्नर के घर जाकर के उनका सिलेंडर उठा ले जाए, उनका गैस कनेक्शन ले जाए। वी मेड इट मैंडेटरी कि नाउ इट कैन ओनली बी इशूड ऑनलाइन, इट हैज टू बी इशूड ऑनलाइन। लैक्स एंड लैक्स ऑफ फॉर्म्स वर इशूड ऑनलाइन। आज आपको हैरानी होगी, हरियाणा जो है देश का टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया का 1.2% है जी। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो देश की लगभग 2% के करीब हमारी पॉपुलेशन है, और हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 3.7% के करीब हमारा देश में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है जी। हमारा जो जीएसटी में कंट्रीब्यूशन है पर कैपिटा, हम पूरे इंडिया में हाईएस्ट हैं जीएसटी कलेक्शन करने के अंदर, पूरे इंडिया में नंबर 1 हरियाणा है आज के दिन। यूं कहेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, इसको नारा नहीं रहने देना है। इसको टेक्नोलॉजी के उपयोग से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है, करप्शन के जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं उनको कंट्रोल करना, उनको एलिमिनेट करना है। कोई सी को भी कुछ जैसे इंडस्ट्री लगानी थी तो जितनी परमिशंस हैं ऑनलाइन कर दी, किसी को किसी ऑफिस में जाना नहीं है, किसी की रिन्यूअल है ऑनलाइन कर दी, कोई परमिशन से या सर्टिफिकेशन चाहिए होता, ऑथेंटिफिकेशन चाहिए, वेरिफिकेशन चाहिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी अटेस्टेशन कर दिया कि आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। कॉमन सर्विस सेंटर आज हरियाणा के 4,500 गाँव में एक कंप्यूटर के साथ में एक नौजवान को बिठाया है, उसको हमने अटल सेवा केंद्र का नाम दिया है।
तो मेरा कहने का है शॉर्ट में, दिस इज एन एंडलेस स्टोरी, आई कैन गो ऑन एंड ऑन. बिल्कुल. पॉइंट इज के हमने एक हरियाणा की शासन प्रशासन व्यवस्था में एक पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी को लाने की कोशिश की है, कल्चर को चेंज करने की कोशिश की है. एंड आई श्योर यू दिनेश जी, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, अभी शुरुआत है. हरियाणा इससे आगे ही आगे बढ़ेगा और देश में एक मॉडल बनेगा जी. और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में वो शक्ति है कि हरियाणा विश्व के देशों का मुकाबला कर सकता है, मतलब विश्व के अग्रणी देशों के मुकाबले में खड़ा हो सकता है. एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. मैं दो दिन पहले एक शूटिंग के चैंपियनशिप के इनॉग्रेशन पे गया, तो वहाँ जो नेशनल और इंटरनेशनल शूटर्स थे उन्होंने बताया कि अगर हरियाणा को एज ए नेशन मान लें, एज ए सेपरेट कंट्री मान लें, तो वर्ल्ड रैंकिंग हमारी फोर्थ है पूरी दुनिया के अंदर. केवल शूटिंग में, स्पोर्ट्स में, अब हम स्पोर्ट्स में ही नहीं है, हरियाणा की नई पहचान की बात कर रहा था कि स्पोर्ट्स में हम आगे हैं. आज ISIPS के एग्जाम, IIT और IIM और जितने एग्जाम्स हैं MBBS के, नीट में हरियाणा के बच्चे अपनी एवरेज से बेटर कर रहे हैं. एक हरियाणा की नई छवि देश और दुनिया के सामने रखी है कि हरियाणा एक कॉम्पोजिट कल्चर का स्टेट है, हरियाणा एक इंक्लूसिव स्टेट है, एक प्रोग्रेसिव स्टेट है. हरियाणा को आप उस दृष्टि से मत देखिए कि जिस तरह से मीडिया इसको प्रचारित करने की कोशिश करता है और उसको गलत दृष्टि से दिखाता है, खाप लैंड बोल करके. ये हरियाणा जो है अब एक नया हरियाणा है और एक आगे बढ़ता हुआ हरियाणा है जी. धन्यवाद कैप्टन साहब. पहला मेरा सवाल आपसे कि आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आपकी सरकार ने पिछले 3.5 साल में आपने कोशिश की है. आपका वादा था कि करप्शन फ्री हरियाणा देंगे, तो क्या पिछले 3.5 साल में करप्शन फ्री हरियाणा हो पाया? हम बहुत आगे बढ़े हैं. देखिए कि जो करप्शन, आप करप्शन के अलग अलग लेवल्स हैं जी, पॉलिटिकल करप्शन से लेकर के और नीचे डाउन टू दी लास्ट मैन, जो सरकारी दफ्तर में जो किस ऐसी पोजीशन पर बैठा है अपनी पोजीशन का लाभ उठा करके वो स्वयं के लिए कोई लाभ अर्जित करता है, तो उसके अंदर हमने ऊपर से लेकर के एक आदर्श प्रस्तुत करने की कोशिश की है जी. कि पॉलिटिकल करप्शन काफ़ी हद तक उसको हम मानते हैं कि उसको जीरो टॉलरेंस के साथ उसको ख़त्म किया है जी. नीचे सिस्टमिक चेंजेस, अब हरियाणा में 2.5 से 3.5 लाख कर्मचारी अधिकारी मिला करके हैं, एक एक के पास जा करके खड़े होकर के ऐसा संभव नहीं होता जी. वो जो सिस्टमिक चेंजेस है, जो टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ में या पॉलिसी को बदल करके है कि जहां उसको करप्शन की अपॉर्चुनिटी बनती है उस अपॉर्चुनिटी को ख़त्म किया जाए, तो वो चेंजेस करने में हम काफ़ी सफल हुए. और इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, बट वी मेड अ वेरी गुड हेडवे. हमने काफ़ी आगे हमने अचीव किया है जी. और ये मैं कतई दावा नहीं करूँगा कि जीरो हो गई है जी. हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है जी. लेकिन निश्चित तौर पर इसको जीरो किया जा सकता है और इसको हम संकल्प लेकर के चले हैं कि हरियाणा से करप्शन को हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए इसको एलिमिनेट करेंगे जी. रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर अगर बात करें जी, तो विपक्ष ने कहा कि उन्होंने जब फैक्ट सामने लाए तब सरकार ने जांच की जी. दिनेश जी, मैं इसका बड़ा इंटरेस्टिंग, अच्छा आपने एग्जाम्पल लिया जी. ये गवर्नमेंट ने उन लोगों को सर्विलेंस पे 6 महीने से डाला जी, उनके टेलीफोन को टैपिंग किया जी, कि कौन लोग हैं जो रिक्रूटमेंट में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं. लीगल तौर पर टैपिंग हुई प्रॉपरली हमने उसको, और जब पूरी तरह से एविडेंस कलेक्ट हो गए हमने सबको पकड़ करके और उनको जेल में डाला जी. इसमें भी क्या है, उन्होंने जो किया रिक्रूटमेंट पहली बार हरियाणा में जी ट्रांसपेरेंसी से हो रही है, मेरिट बेस्ड हो रही है, कोई किसी की सिफारिश पे या पैसे से अब नौकरी नहीं दिला सकता जी. चेंज हो गया पूरा. अब जब हो रही है, जो पुराने कल्चर के लोग हैं वो क्या करते हैं कि लिस्ट बन रही है, शाम को लिस्ट रिलीज होगी 12 बजे रात को, तो उन्होंने लिस्ट देख ली, लिस्ट देख करके टेलीफोन कर दिए कि आपका नाम आते आते रह गया, आने वाला है, आ सकता है, अगर थोड़ा सा आप मुझे पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो. वो लिस्ट चेंज नहीं कर रहे, रिक्रूटमेंट में स्कैम नहीं है जी. कि वो ये आपकी जगह पर किसी और को नहीं लगा पा रहे अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वो सिर्फ जो है आप सेलेक्ट हो रहे हैं, आपको फोन करके कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अगर आप कुछ दे देंगे तो आपकी बात बन जाएगी, उनको जानते हैं कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं जी. तो ऐसे लोगों को वो जो 5-6 घंटे के बीच की जो टेलीफोन कॉल्स हैं उनको हमने इंटरसेप्शन में लगा करके और उनको पकड़ करके, और सरकारों का क्या नेचर होता है, सरकारें दबाती हैं कि घोटालों को उजागर नहीं होने दिया जाए.
हमने हर चीज़ को कहा तुरंत एक्शन लो और तुरंत इसको पब्लिक में दो। हम जानते हैं कि एक को सजा देंगे दसों को आंख हो जाएंगे, दस और सीधे हो जाएंगे। आपने कहा कैप्टन साहब कि 3.5 साल में आपकी सरकार ने ये कोशिश की कि नई पहचान बने हरियाणा की, कैसे नई पहचान बनी? जैसे मैंने जिक्र किया, हमारी पहचान जो थी एक राजनीतिक तौर पर ऐसी थी कि ये परिवारवादी राजनीति करते हैं जी, हरियाणा में जातिवादी राजनीति होती है, हरियाणा में क्षेत्रवाद की राजनीति होती है और हरियाणा में कुछ परिवार ही राजनीति करते हैं, हरियाणा में राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है, हरियाणा में राजनीतिक दल बदल होता है, ये हरियाणा की पहचान थी। हरियाणा के अंदर राजनीति और प्रशासन मिल करके जमीनों के घोटाले करते हैं, हरियाणा प्रदेश में एक करप्शन और दूसरी चीज़ें। इसके अलावा हमारी पहचान देने करने बनाई जाती थी कि ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और हमें कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में हमें वो एक तरह से टारगेट किया जाता था कि ये तो जी इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं है, ये सोसाइटी जो टॉलरेंट सोसाइटी नहीं है, ये इनटॉलरेंट सोसाइटी है, यहाँ खाप डिक्टैक्ट्स होते हैं, यहाँ जो है खाप की व्यवस्था चलती है। हमने सारी पहचान को बदल करके हरियाणा को एक कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक हमने देने का काम किया। इसी तरह से सोसाइटी के बारे में कि आप कौन हमको कह सकता है कि खाप जो है हमारी बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमने संकल्प किया, उसके परिणाम देश में सामने आए। फिर भी हमने ये भी एफर्ट किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी हम मिशन लेकर चलेंगे, हम उसमें कहीं कमी है उसको भी हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे और अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएंगे जी। तो इसलिए जो हमने नई पहचान की बात की कि फ्रॉम साक्षी मलिक, मनु भाकर और फोगाट सिस्टर्स और एनीवन एल्स, हमारी मानुषी छिल्लर जो मिस वर्ल्ड बनी है वो पूरा समाज उस पर गौरव कर रहा है, उस पर गर्व कर रहा है, वी आर प्राउड ऑफ आवर डॉटर्स। तो ये जो एक चेंज ऑफ परसेप्शन है अबाउट हरियाणा वो हमने लगातार प्रयास किया। आप कह रहे हैं कि वो आपकी सरकार ने लाया? नहीं, हमने एक डेलिबरेटली कोशिश की है कि उस परसेप्शन को हम आगे बढ़ाएं, हरियाणा की पहचान को बदलें। हाँ, हमने एक नई पहचान दी है जी। अगर हरियाणा की वित्तीय स्थिति की बात की जाए तो आप क्योंकि वित्त मंत्री हैं, क्या स्थिति है, घाटा कितना है, फायदा कितना है? मैंने आपको बताया कि देश में आज के दिन हरियाणा छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी पर कैपिटा जीएसटी रेवेन्यू वो पूरे देश में हमारा बहुत ज्यादा नंबर वन है और हमसे जो सेकेंड नंबर पर है वो हमसे कम से कम 15% पीछे है पर कैपिटा प्रति व्यक्ति। इससे बड़ी रिफ्लेक्शन इकोनॉमिक हेल्थ की और दूसरी नहीं हो सकती क्योंकि ये नेट टैक्स पेड है। टैक्स आदमी जब पे करेगा, जब आदमी बिजनेस कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है और आदमी इनकम कर रहा है तो टैक्स तो लास्ट टेस्ट है ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो दिस इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स के जी हम कहाँ खड़े हैं। हमारे जो हमने प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री भी बजट से लेकर के उन प्रयोगों को पूरे देश में अन्य राज्यों को इंप्लीमेंट करने के लिए सजेस्ट करते हैं। राज्य की वित्तीय स्थितियों का एक आकलन होता है जिसको कहा जाता है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबल एंड बजटरी मैनेजमेंट। उसके अंदर भी हम जो है नॉट ओनली कि हम वहाँ कंप्लायंट हैं, हम उसके अंदर भी बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स के तौर पर आते हैं जी। तो जहाँ तक आपने कहा घाटा और लाभ, किसी भी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को समझेंगे कि राज्यों के विकास के बजट कभी सरप्लस पर नहीं बनाए जाते हैं, वो हमेशा डेफिसिट पर बनाए जाते हैं। डेफिसिट घाटे की बात की जाए, कितना कम किया? एवरी डेफिसिट इज वेल विद इन द परमिटेड पैरामीटर्स ऑफ मोस्ट प्रूडेंट इकोनॉमिक्स। हमारे जितने भी डेफिसिट हैं वो जो FRBM एक्ट होता है उसके तहत जो भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन तय करता है कि आप इतने पैसा का डेफिसिट कर सकते हैं, इतना परसेंटेज कर सकते हैं, हम उन सारे पैरामीटर्स को मीट करते हैं जी। अगर दूसरा नेता विपक्ष जो है अभी चौटाला, वो कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं आ रहा है, सिर्फ MOU साइन हो रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री के तौर पर आप बताइए कि 3.5 साल में कितना इन्वेस्टमेंट जो है हरियाणा में आया? देखिए, इन्वेस्टमेंट के आंकड़े तो मैं नहीं दे पाऊंगा जी, लेकिन हमने एनविसाज किया था जब हमने एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी 2015 में बनाई थी जी। तो उस पॉलिसी के हमने जो प्रियम्बल में लिखा था कि इस पॉलिसी से हमारा टारगेट है, अगस्त 2015 में हमने बनाई थी कि 1,00,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट और हम इससे 4,00,000 लोगों के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का लक्ष्य हमने रखा था।
मुझे आज बताते खुशी हो रही है कि हमने जब मार्च 2016 में फर्स्ट हैपनिंग हरियाणा सबमिट किया था जी। आप विश्वास करेंगे दिनेश जी कि वो हरियाणा का 50वां साल था। 50 साल तक हरियाणा ने एक भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कभी ऑर्गेनाइज ही नहीं किया था। आपने गुजरात के समिट सुने होंगे, आंध्रा के समिट सुने होंगे, कर्नाटका के समिट सुने होंगे, लेकिन यूपी और बिहार और झारखंड ने भी अपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कर ली थी, हरियाणा ने कभी नहीं की थी। 2016 में जब हमने हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टर्स समिट किया था, उसमें हमें लगभग 6,00,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स के एमओयू हमारे साथ साइन हुए थे जी। और नेचुरली उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की पोटेंशियल ज्यादा। जब ये एमओयू साइन होते हैं तो इसमें से फ्रक्टिफाई कितने होते हैं, एक्चुअल प्रोजेक्ट ग्राउंड पर कितने लगते हैं, नॉर्मली ग्लोबली रेशो बेटर रेशो 15-20% की होती है। मैं आपको बताते हूँ, मुझे खुशी है कि आज हरियाणा में ऑलरेडी कम से कम भी 1,50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज हो चुकी है, फ्रक्टिफाई हो चुकी है। हमारा टारगेट 1,00,000 का था जी। तो वी आर वे बियॉन्ड द टारगेट। आपके कार्यकाल में कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी कंपनीज हरियाणा में आई? अब इसमें कई है, मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कैरियर एयरकॉन करके एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने एक्सपेंशन किया जी। हमारे यहाँ पर आइकिया, अगर आपने सुना होगा, आइकिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर वो रिटेलर है जी, वर्ल्ड का, इट्स अ स्वीडिश कंपनी। वो उन्होंने हरियाणा को अपना हेडक्वार्टर चुना, गुड़गांव के अंदर सिंगल ऑक्शन में जी उन्होंने 850 करोड़ रुपए का एक प्लॉट खरीद करके वहां तो अपना ऑफिस बनाना शुरू किया है हरियाणा सरकार से। तो ऐसे करके मैं और बहुत सारी चाइनीज कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है उनकी वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को अब एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी के भी इश्यूज आ रहे हैं, तो वो हरियाणा और इंडिया शिफ्ट करते हैं तो पहला उनके दिमाग में आता है कि हमें हरियाणा में जाना है जी। तो इस तरह से बहुत सारे प्रपोजल हैं। पैनासोनिक का प्रोजेक्ट लगा है, लॉटे जो है कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो उसने अपना एक इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ पर लगाया है। तो ऐसे बहुत सारी, और हमारे इंडस्ट्रियल पार्क्स नए बन रहे हैं जी, जिसमें अब एक नया हॉर्टिकल्चर मार्केट जो रुकी हुई थी उस काम को हमने आगे बढ़ाया है। जो केएमपी जो 15 साल से नहीं बन रहा था, वो केएमपी अगले 1-2 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। 140 किलोमीटर लॉन्ग प्लस लॉन्ग एक्सप्रेस वे, नॉट जस्ट हाईवे, एक्सप्रेस वे जो है वो हमने पोर्शन उसका कंप्लीट कर दिया, बाकी 2 महीने में पूरा हो जाएगा जी। तो उससे काफ़ी इंडस्ट्रीज जो है इन्वेस्टमेंट हरियाणा में अब आ रही हैं। किसान कितना खुश हुआ आपके कार्यकाल में 3.5 साल में? वो तुलना और वो पता आप करेंगे, मैं जो हमने किया मैं वो बताऊंगा जी। कि किसान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जी कि किसान जब अपनी फसल बोता है जी, उसमें जो मेहनत करता है, बीज डालता है जी, फसल उसकी तैयार हो रही होती है, तो नेचुरल कैलेमिटी के कारण, कोई प्राकृतिक प्रकोप के कारण, कभी सूखा पड़ जाए जी, कभी फ्लड्स आ जाए, कभी ओला पड़ जाए तो हेल स्टॉर्म आ जाए, कभी जो है उस पर जो पाला जो फ्रॉस्टिंग कहते हैं वो आ जाए, तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। पहले गवर्नमेंट थी 2005 से पहले, हरियाणा में 6 साल चली जी। उस गवर्नमेंट ने अपने 6 साल के कार्यकाल में किसान को उसकी फसल के नुकसान का कंपनसेशन दिया। कंपनसेशन एवरेज दिया उन्होंने 35 करोड़ रुपीस पर एनम जी, दैट वाज ऑल। हमने उसके बाद 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, किसान की फसल का जब जब नुकसान हुआ उन्होंने कंपनसेशन दिया जी। उनका एवरेज कंपनसेशन पेड पर ईयर था फार्मर्स को 80 करोड़ रुपीस पर ईयर, 80 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष। हम अपनी सरकार आई जी, तो पहले 3 साल में हमने जो एवरेज कंपनसेशन फार्मर की क्रॉप लॉस का दिया वो था 1,000 करोड़ रुपया प्रति साल। प्रधानमंत्री जी ने किसान की फसल बीमा योजना को लागू किया जी। आज फसल बीमा योजना का ये परिणाम है कि कहीं भी आज नेचुरल कैलेमिटी होती है जी, तो तुरंत जो है उसका रिपोर्टिंग हो करके एक जॉइंट असेसमेंट टीम उस क्रॉप की असेसमेंट करती है टेक्नोलॉजी के उपयोग से, कहीं कहीं उसकी कैमरा से, कहीं ड्रोन से, और उनकी टेक्नोलॉजी के उपयोग से वो असर्टेन किया जाता है कि ये क्रॉप में इतना लॉस है और उसकी कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी ऑटोमेटिक देती है जी। तो ये इसके अलावा किसान को क्या चाहिए, समय पर उसको खाद मिल जाए, बीज मिल जाए, पानी मिल जाए,
उसको बिजली मिल जाए, उसकी फसल मंडी में बिक जाए, ये सारी चीज़ें पिछले 3.5 साल में कहीं पर भी किसान को खाद बीज लेने में दिक्कत नहीं हुई, कहीं भी किसान को अपनी फसल बेचने में दिक्कत नहीं हुई। जो पहले फसलें बेचने में जो क्रॉप्स थी हमारी, कुछ क्रॉप्स पे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था, हमने नई क्रॉप्स को ऐड किया ताकि किसान जो है डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स में जाए। जो ये मोनोटनी ऑफ क्रॉप का जो पैटर्न बन गया है, ये सॉइल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये ग्राउंड वाटर के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का एक प्रोग्राम चला करके नई क्रॉप्स को हमने सपोर्ट सिस्टम में लेकर के आए। अब बाजरा खरीदा जा रहा है, अब और क्रॉप्स खरीदी जा रही हैं। एक हमने स्कीम बनाई कि आप वेजिटेबल्स उगाइए, तो वेजिटेबल्स उगाएंगे तो वेजिटेबल्स में जल्दी ख़राब हो जाती है, तो या वेजिटेबल्स के प्राइसेस सरप्लस हो गई तो प्राइसेस, क्योंकि वो पेरिशेबल है तो प्राइसेस एकदम गिर जाएंगे, तो किसान को अपनी फसल को फेंकना पड़ेगा। तो हमने 4 बेसिक क्रॉप्स जो हैं, जिसमें टोमेटो है, अनियन है, पोटैटो है, तो हमने इन क्रॉप्स को लेकर के एक हमने कहा कि भाई आप कंप्यूटर पर आप रजिस्टर कर दीजिए कि आपने ये फसल बोई है वेजिटेबल क्रॉप, और आप मंडी में जाइए, ऑटोमेटिकली मंडी से जो कंप्यूटर की स्लिप मिलेगी आपकी बेचने की, उस पर अगर 4 रुपये किलो से नीचे रेट आपको 2 रुपये मिला, हमने फिक्स कर दिया इसका, इस क्रॉप का 4 रुपये रेट मिलेगा जी। अगर वो उससे 2 रुपये मिला, ऑटोमेटिकली उसके बैंक अकाउंट में 2 रुपीज़ पर केजी हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो हमने उसको क्रॉप में जो भावांतर योजना, यानी कि भाव जो है किसान को जो मिलना चाहिए उसमें अगर कोई अंतर है, कमी है, तो सरकार उसको कंपनसेट करेगी जी। सरकार मतलब दिनेश जी, सरकार मतलब अभिमन्यु नहीं है जी, या मनोहर लाल जी नहीं है जी। सरकार है ये 2.5 करोड़ लोग जो हैं, ये मिलकर के अपनी मेहनत से खजाने में टैक्सेस के थ्रू, वेरियस रेवेन्यूज के थ्रू एक पैसा कलेक्ट करते हैं सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए। तब आप कह रहे हैं कि हरियाणा में सब अच्छा अच्छा हो रहा है, अच्छा हुआ है पिछले 3.5 साल में, ऐसा नहीं होता जी। देखिए मैं आपको जो अपनी बात कह रहा हूँ, जो आप पूछ रहे हैं, काम करते हैं, काम करते हुए चूक भी रहती हैं, काम करते हुए गलतियां भी होती हैं, और कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी होती हैं, तो ये कहना ये उचित नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है जी। वो एक वो ईमानदारी, मैं कम से कम मैं आर्मी अफसर रहा हूँ, मैं बेईमानी बात नहीं करता। कमियां भी रही हैं आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर कमियां होती हैं जी, गलतियां हुई आपने सुधारी हैं, गलतियों को सुधारना चाहिए, सुधारने की कोशिश की है। बहुत महत्वपूर्ण है कि नियत क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी सोच है कि भाई चीज़ों को ठीक करना है जी। एक सोच होती है कि मुझे ये सरकार के पदों का दुरुपयोग करके इस जमीन को ऐसे किसानों से छीन करके, कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मिल करके, किसी कंपनियों को बेच करके, और हम उसके साथ मिल करके घोटाले करें, एक तो ये नियत होती है जी। एक नियत होती है कि नहीं, एक एक लाइसेंस दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी से दिया जाएगा, एक एक सरकार की जमीन, इसी पंचकुला में इंडस्ट्रियल प्लॉट का स्कैम हुआ जी। हमने तुरंत आते ही 2014 दिसंबर में हमने फाइल पर लिख करके पॉलिसी चेंज कर दी कि कोई अलॉटमेंट नहीं होगी अब जी। सरकार का कोई भी प्लॉट अगर किसी प्राइवेट पार्टी को दिया जाएगा वो ओपन ऑक्शन के थ्रू दिया जाएगा, कंप्यूटराइज ओपन ऑक्शन के साथ जी, जी। तो ई ऑक्शन हमने मॉडल बना दिया, तो उसमें कोई छिप नहीं सकता, छिपा नहीं सकता बिल्कुल। कैप्टन साहब, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार की जो नीयत है वो साफ रही, इससे पहले हम छात्रों से सवाल लेंगे, सवाल लीजिए नितिका। माय नेम इज अमन पाठक एंड आई एम फ्रॉम हॉलमा पब्लिक स्कूल पंचकुला। सर आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड अबाउट द थिंग्स यू हैव शेयर्ड विद अस नाउ, एंड सर माय क्वेश्चन इज, एज वी नो दैट द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ऑफ गेटिंग जॉब्स रिजल्ट्स इन द डिक्रीजिंग ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज अमंग आर यंगस्टर्स, विच फर्दर रिजल्ट्स इन द माइग्रेशन ऑफ आर यूथ टूवर्ड्स फॉरन कंट्रीज। सो सर, वॉट आर द स्कीम्स एंड द प्लान्स इंट्रोड्यूस्ड बाय आर गवर्नमेंट to stop this brain drain? Very good question and very, very pertinent and very important. This is in fact the most important question which we are trying to address. Jo rozgar hai, abhi tak ek model chalta tha, rajniti mein ek awaaz aati thi ki hame vote do, hum aapko naukriyan denge, sarkari naukriyan denge. Sarkari naukri ka matlab hai ki hum, kuch log to yahan tak aaj bhi kehte hain ki hum koi merit nahi dekhenge, हम अपने वर्कर्स को जॉब देंगे। आज भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आज भी वो बयान आते हैं। कुछ लोग तो सिफारिश और पैसे पे नौकरी देने के कारण अब जेल में भी बैठे हुए हैं। समाज में से सरकार में कुछ लोग जाएंगे जो समाज की व्यवस्थाओं को चलाएंगे, वो लोग जो है अगर वो सब के सब तो सरकार को नहीं चला सकते, तो उसमें से 1.5 से 2% लोग जो हैं वो सरकार के कामकाज में शामिल होते हैं।
सरकारी नौकरियां, अगर उसको आप फैमिलीज पर एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो 1.5-2% अगर पॉपुलेशन का लोग हैं तो 4.8 टाइम्स हम उसको मानते हैं फैमिली का मल्टीप्लाई करके। 7.5% सोसाइटी पॉपुलेशन जो है वो सरकारी जॉब पर डिपेंडेंट हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट ये हुआ कि हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है इन प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करनी पड़ेंगी। और किसी भी समाज में, किसी भी युग में आप याद कर ध्यान करें जी, कि हमेशा हर पीढ़ी में, हर जनरेशन में कुछ एंटरप्रेन्योर्स खड़े होंगे। हर जनरेशन में कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अपने उद्यमिता, जिसको हम कहते हैं, वो उद्योग करेंगे, उद्यमिता अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से वो कोई बिजनेस क्रिएट करेंगे जी। उस बिजनेस में वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे और उसी के अंदर वो रेवेन्यू जनरेशन भी करेंगे, जिससे वो समाज में टैक्सेस के माध्यम से समाज में अपना भूमिका अदा करेंगे। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होगी। और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई कि मुद्रा योजना बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपये तक का लोन मिलना चाहिए। जो बहुत सारी स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब का पर्पस क्या अल्टीमेटली, कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है। हमने इतने सालों तक एक मॉडल चला है, पॉलिटिक्स का मॉडल चला है ये कि देश के लोगों को, आम लोगों को गरीब रखो, कमज़ोर रखो, अनपढ़ रखो, अशिक्षित रखो, उनको डिपेंडेंट रखो, मजबूर रखो, मजदूर रखो, तो ये इनके बुद्धि का स्तर जो है सोचने का नहीं होगा, तो ये हमारी फैमिली डायनेस्टिक रूल को क्वेश्चन नहीं करेंगे जी। क्योंकि जो पढ़ लिख जाएगा, जो सक्षम हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा, उसमें स्वाभिमान जग जाएगा, वो कहेगा कि इट इज डेमोक्रेसी, व्हाई शुड आई एक्सेप्ट डायनेस्टी। तो वो इस डायनेस्टोक्रेसी जो है, इस डायनेस्टोक्रेसी ने इस देश का बहुत नुकसान किया है कि इस देश के लोगों को कमजोर रखो, इनको आपस में डिवीजन करो, कास्ट पे इनको लड़ा के रखो, रीजन पे इनको लड़ा के रखो, रिलीजन पे लड़ा करके रखो, इनको क्लास वॉर्स करा के रखो, वो कमेरा वर्ग है, वो लुटेरा वर्ग है, वो व्यापारी वर्ग है, वो किसान वर्ग है, ऐसे करके संघर्ष पैदा करो, इनमें डिविजन्स लेके आओ और फिर अपने परिवारों के राज बनाओ। ये एक मॉडल देश में चला है जी जी। तो आप कह रहे हैं कि आपकी आपकी पार्टी जो है ये नहीं करती। हम और सवाल लेंगे, कुलवीर आप सवाल ले सकते हैं। माय नेम इज इनायत पत्स एंड आई एम फ्रॉम भवन विद्यालय पंचकुला। सर, अ लॉट ऑफ मिसहैपनिंग्स हैज हैपेंड ड्यूरिंग द जाट एजिटेशन फॉर सिक्योरिंग कोटास एंड अ लॉट ऑफ वुमेन वर मिसहैंडल्ड। A lot of private and public property was destroyed. In fact, your own private property was vandalized. So, sir, my question to you is, what is the policy of your government to avoid such mishappenings? And what steps have you taken to sensitize the masses towards not becoming the puppets of such greedy and selfish people? It's a very, very important question for your generation. Ek bahut acha aapne jo aapki generation ke liye sawal bahut zaruri hai. कि इसमें आप देखेंगे देश में टॉलरेंस और इनटॉलरेंस। जब तक हम अपने जो हमारी जो विविधताएं हैं, जो हमारे जो हम अलग अलग हैं, हम उसको, विविधताओं को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम इंक्लूसिव नहीं होंगे। लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी है, वो इलेक्ट करे हुए लोगों को आपने शासन दी है, उनको समय दीजिए, उनको काम करने दीजिए। किसी भी कॉमन मैन को हमें ये एक संस्कार पैदा करना पड़ेगा कि दंड देने का काम और अधिकार वो केवल सरकार का है। हिंसा हुई आपके कार्यकाल में, आपकी सरकार के कार्यकाल में, आपने उससे सीखा और अफसोस है जो इस तरह की हिंसा हुई। तो इनायत ने कहा कि भाई मेरे जो जो पर्सनल एक अटैक हुआ उस पर मैंने क्या किया जी, है ना, ये किया कि किसने किया किसने नहीं किया उससे मतलब नहीं है जी। हिंसा अगर हुई है तो गलत, हिंसा का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। जो भी कोई दोषी है अगर उस पर कार्रवाई कराते कराने में जी, अगर आज मैं भी अगर स्टैंड नहीं लूंगा जी, तो लोगों का संविधान और देश के कानून से विश्वास उठ जाएगा। कितने ही सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ, 32-33 लोगों की जान गई, 100 से अधिक लोगों के उनको जो है चोटें लगी, गंभीर चोटें लगी। अब ये अपने आप कोई आसमानी बिजली गिरी नहीं जी। ये अपने आप तुरंत कुछ हुआ नहीं, किसी ने इसमें कॉन्स्पिरेसी की है, किसी ने इसमें इसको शरारत की है। तो दोषी समाज के सामने आएगा, सबके सामने आएगा, तो कम से कम फिर एक वर्ग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। बिल्कुल, व्यक्ति दोषी होता है, वर्ग दोषी नहीं होता है, समाज दोषी नहीं होता है। गलत काम व्यक्ति करता है और जो गलत काम करता है वो समाज, डाकू भी कभी कभी जातियों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, अपराधी भी कभी कभी वो जातीय संगठनों को सामने करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। कैप्टन साहब, जो ये हिंसा हुई, ये प्लान थी?
इसमें जो अभी तक के साक्ष्य सामने आए हैं जी, और जो उसमें अभी तक की जो रिपोर्ट या जो पुलिस जो वेरिफिकेशन हुई है जो इन्वेस्टिगेशन में जी, उसमें एक तरह से स्थापित किया है जी, अपनी इन्वेस्टिगेशन ने कि ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी, प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी टू डिस्टेबलाइज द स्टेट ऑफ हरियाणा। तथाकथित परिवारवादी राजनीति जो डायनेस्टोक्रेसी वाले लोग थे जी, तो उनको ये चीज़ नहीं पसंद थी कि बीजेपी वाले लोग ये कहाँ से आ गए, ये कोई इनको सबको जो है कैसे सरकार बना दी जी। तो उन लोगों ने इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने का एक कॉन्स्पिरेसी और उस पर ये वही कास्ट डिविजन्स, कास्ट वायलेंस, समाज को तोड़ना, वही चीज़ें उन्होंने फिर से जो पुराने हथियार थे वही चीज़ें शुरू की जी। लेकिन आई थिंक दैट इज पास्ट, हरियाणा हैज़ मूव्ड अहेड, हरियाणा अब काफ़ी आगे बढ़ा है और हरियाणा इससे सीख करके, और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में हरियाणा का समाज इस प्रकार की हिंसा को स्वीकार करेगा। और आपकी जनरेशन को कभी नहीं करना, दुनिया में अकेले भी आपको होना पड़े लेकिन सच्चाई के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए और हिंसा के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। My question is, in state budget, most of the budget, there is a certain amount of budget which is kept for education, but in that budget, most of that is spent in the, is given to the education for government schools. My question is, what are your policies taken for the upliftment of private schools? Thank you. It is a very good thought. Or, इस दिशा में मुझे अभी कुछ मैं नहीं कह पाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में ये सोच जरूर चली है कि प्राइवेट सेक्टर के जो एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और सरकार जो प्राइवेट सेक्टर के अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सरकार फाइनेंशियली सपोर्ट करे या इंफ्रास्ट्रक्चरली सपोर्ट करे। उस नाते से कुछ स्कीम्स तो भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो वो जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं और उनकी कोई रिकॉग्निशन है उनको सरकार रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के नाम पर रिसर्च के लिए पैसा देगी। तो एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू हुआ है, उनकी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की पहचान शुरू की है। हमने भी इसको चीफ मिनिस्टर के लेवल पर, एजुकेशन मिनिस्टर साहब, हम लोग कई बार बैठ करके इस पर डिस्कशन किए हैं कि हमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को एजुकेशन में उसको एनकरेज करना चाहिए, उसको और हमें बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ पत्रकार भी हैं, मैं चाहूँगा कुलबीर दीवान पहला प्रश्न ले। राजेश जी हैं दैनिक जागरण के, जो ब्यूरो चीफ है पंचकुला। पंचकुला में HMT बड़ा उद्योग था, उसे आप बंद करने जा रहे हैं, मशीन टूल बंद हो चुका है, ट्रैक्टर बंद हो चुका है, सेब मंडी लगाने की बात कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों को क्या फायदा होगा सेब मंडी से, बजाय कि आप लोग बड़ा उद्योग पंचकुला में लगाएं। आपके सुझाव का धन्यवाद, उस पर विचार करेंगे, पर आपकी एक बात का स्पष्टीकरण कर दूं कि हम कोई इंडस्ट्री को बंद नहीं कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ये इंडस्ट्री बहुत लंबे समय से बंद पड़ी है, हम तो बंद हुई को शुरू करने चाहते हैं। हम तो वहाँ पर जो खाली पड़ी जमीन है हम उस पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहते हैं, वो वेस्ट ना जाए, वो वेस्ट जा रही है। देखिए डिसीजन करना चाहिए, डिसीजन करने से नहीं हिचकना चाहिए, और जब हम जनहित में डिसीजन करेंगे, देशहित में करेंगे, डरना नहीं चाहिए जी। तो हम डिसीजन करके इसको चालू करवाना चाहते हैं जल्दी जी। पवन भी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है, आप सवाल लीजिए। कुलबीर, दो सवाल है आपसे। हरियाणा की वित्तीय व्यवस्था को आपने सुधारने के लिए जो कर्ज लिया है, उस कर्ज पर जो इंटरेस्ट पिछली सरकारों में लिया जाता था उसकी तुलना में आपने क्या सुधार ऐसे किए हैं कि वो इंटरेस्ट कम हुआ है या वित्तीय स्थिति जो है वो सुधरी है? दूसरा सवाल सर कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के जो कर्मचारी हैं उनको अगर किसी चीज़ के लिए लोन लेना होता था, मकान बनाने के लिए, गाड़ी के लिए या किसी और जरूरत के लिए, तो उनको जो है वो विभाग की तरफ से आवेदन करना पड़ता था और लोन लेना पड़ता था, लेकिन अब आपने बैंक से सीधा कर्मचारी को लोन देने का एक फैसला किया है, इन फैसलों की वजह क्या रही सर? जो कर्जा है राज्य पर, प्रदेश के वित्तीय व्यवस्था पर, वो कर्जे को हम इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करें जी। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारी बिजली कंपनियों पर 35,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, कितना 35,000 करोड़ रुपीस का लोन बिजली कंपनियों पे। हमने एक स्कीम निकाली उदय, हमने तय किया कि ये बिजली कंपनियां पैसे नहीं दे पा रही हैं जी, इनके ऊपर इंटरेस्ट जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 2,650 करोड़ रुपए का सालाना इंटरेस्ट बर्डन था। हमने उसको, पिछली सरकार ने लिया था लोन, हमने नहीं लिया साहब जी, हमने उसको सरकार के खाते में ले लिया, सरकार पर वो बोझ हमने लिया
2,650 करोड़ पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। बिजली कंपनी जो इंटरेस्ट देती थी, हमने जो नया लोन लिया वो इस तरह से लिया कि हमने लगभग 800 करोड़ रुपए सालाना इंटरेस्ट कम पे किया। 1800 करोड़ रुपए में हमने सरकार पर वो लोन ले लिया। एवरी ईयर वी सेव्ड 800 करोड़ रुपीज। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया। इसी तरह से हमने पुराने जितने महंगे लोन थे उनको हमने वापस देने की कोशिश की, और नए लोन जो है वो हरियाणा की रेटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश की, और नए लोन को हमने सस्ता लेने की कोशिश की, और उतना ही लोन लेने की कोशिश की जितना जरूरी हो और जितना डेवलपमेंट में खर्च हो। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, हम कुछ ना कुछ निर्माण करेंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ियों के काम आए। जो पहले लोगों ने लोन लिया उसको आज हम उतार रहे हैं। तो एक तो ये लोन को कम करने की बात थी। दूसरी, जो हरियाणा के जो 2.5 लाख कर्मचारी जो पक्के हैं उनको लोन मिलता है, हाउस लोन मिलता है, कार लोन मिलता है, कंप्यूटर लोन मिलता है, वीट लोन मिलता है, एक आदि और कोई लोन है। वो लोन की क्या थी, पहले जब हम फाइनेंस मिनिस्टर बने तो नया नया था, 2-3 महीने हम देखे रोज वहाँ पे कि जी मेरे ऑफिस के बाहर लाइन लग रही है कि ये कर्मचारी जो है लोन लेने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन है, इनकी पावर है, ये लोन देंगे जी। तो हमने कहा वाई फाइनेंस मिनिस्टर डिस्क्रिप्शन, ये ऑटोमेटिक पॉलिसी के तहत जाना चाहिए, मेरे को क्यों देना चाहिए लोन। हमने कहा इसको बंद करते हैं। हमने कहा फाइनेंस मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन खत्म, अपनी पावर हमने खत्म की जी। अब पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बनाई कि जिस भी कर्मचारी को लोन लेना है वो, हमने पंजाब नेशनल बैंक का एक बिडिंग प्रोसेस किया, उसके तहत उसको हमने वो अधिकार दिए कि जिसको भी लोन लेना है पंजाब नेशनल बैंक में जाओ, ऑटोमेटिकली आपको लोन मिल जाएगा। किसी फाइनेंस मिनिस्टर के दफ्तर में आपको चक्कर नहीं काटने, 3 बार में नहीं होगा, इकट्ठा आप ले जाइए और आप वहीं पर, और जो जिस इंटरेस्ट पर मिलता था उसी इंटरेस्ट पर हमने, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगी, सेम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाएगा। अगर पंजाब नेशनल बैंक का इंटरेस्ट ज़्यादा है तो सरकार उसको कंपनसेट कर देगी, पर कर्मचारियों को कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं। अभिमन्यु साहब, एसओएल की बात करें, क्या एसओएल का पानी जो है हरियाणा को मिल पाएगा? एसओएल का पानी हरियाणा को मिलने के लिए जो कानूनी अड़चने जो 40 साल से थी जी, वो अब लगभग समाप्ति की स्तर पर है जी। कोर्ट केस हम जीत चुके हैं जी, एग्जीक्यूशन के लिए हमने डाला है बिल्कुल, उसमें चूंकि इंटरस्टेट डिस्प्यूट है जी, तो पंजाब ने उसके अंदर एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए फिर एक एप्लीकेशन लगाई है जिसके लिए चर्चा। लेकिन हमारा ये स्पष्ट मत है कि हरियाणा को बने हुए 51 साल हुए, जिन मुद्दों को लेकर हरियाणा बना था, हरियाणा के जो उचित अधिकार थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, अब हमें वो हमारे हिस्से का पानी मिलेगा तो हरियाणा की प्यासी धरती की प्यास भी बुझेगी। कब तक मिलेगा? देखिए, हमें उम्मीद है कि ये जो हमारी एग्जीक्यूशन की पिटीशन है ये कोर्ट इसको जल्दी डिसाइड करेगा। आपको नहीं लगता कि कई बार जब चुनाव आते हैं हरियाणा में, जब चुनाव आते हैं तब इसको सियासी मुद्दा बनाया जाता है, आपको नहीं लगता कि वोट पॉलिटिक्स होती है ज़्यादा इस पर? देखिए आप दिनेश जी, इसमें आप मीडिया के निष्पक्ष लोग हैं, आप ही इस बात को तोल कर सकते हैं कि कौन इसको सियासी मुद्दा मानता है, कौन इसको आर्थिक मुद्दा मानता है। अगर हमने सियासत करनी होती तो पहले साल में ही हम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इंटरवेंशन नहीं करते स्पेशल। 10 साल से पिछली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन नहीं किया जी। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस केवल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मैटर था और कुछ नहीं था जी। 10 साल वो चुप बैठे रहे जी। हमने अगर सियासी मुद्दा बनाना होता तो ये कोर्ट का इंटरवेंशन चुनाव से 6 महीने पहले करते और चुनाव कोर्ट में अपनी जीत को एक पॉलिटिकल विक्ट्री बता करके हम चुनाव में जाते। लेकिन हमने पहले साल में ही कोर्ट में इंटरवेंशन करके इस डिसीजन को इंप्लीमेंट कराया, बिकॉज फॉर अस इट इज एन इकोनॉमिक इशू, तो ये हमारे लिए सियासी मुद्दा नहीं है और इसलिए हम एग्जीक्यूशन कराने में लगे। जिन लोगों ने कभी अपनी सरकारों में मुद्दा नहीं उठाया, अब चुनाव आ रहे हैं तो वो इस मुद्दे को उठाते हैं, तो इससे पता चलता है कौन इसको राजनीतिक मुद्दा मानता है, कौन इसको आर्थिक मुद्दा मानता है। 2019 की जंग की बात करें कैप्टन अभिमन्यु साहब, तो बीजेपी हरियाणा में और देश में कितनी तैयार है? देखिए, मुझे लगता है कि देश का जनमानस है कि ये जो देश में परिवर्तन हुआ है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में एक नया स्वाभिमान जगा है जी, एक नई आशाएं, अपेक्षाएं और आकांक्षाएं जो नई पीढ़ी के मन में देश को आगे बढ़ाने के लिए जो मोदी जी के साथ में उन्होंने खुद को जोड़ा है जी, और वो इस बात को, देश की आम जनता इस बात को समझती है कि मोदी जी को रोकने के लिए आपस में लड़ने वाले लोग भी अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो वो घबरा रहे हैं, और दुनिया में मोदी जी ने जो देश का नाम ऊंचा किया है
और भारत में जो एक नया एक आर्थिक जो तरक्की हो रही है, जो फैसले हो रहे हैं, तो देश की जनता अब नहीं चाहती कि इसको रुकने दिया जाए। रोकने वाली ताकतों को परास्त करेंगे, अब देश की तरक्की, उन्नति, विकास जो है वो और तेजी से हो, तो निश्चित तौर पर मोदी जी का अब देश में 2019 में कोई विकल्प सामने नहीं है। गठबंधन जो बनाया जा रहा है उससे आपको कहीं डर नहीं है बीजेपी? नहीं, वो उनकी कमजोरी दिखाता है। जी देखिए, जब आदमी अपने से खुद में उसमें ताकत ना हो, जब दो और लोगों का सहारा लेता है जी, तो स्वाभाविक है कि उसने संदेश दे दिया कि मैं अकेला काबिल नहीं था। ये भी बात चल रही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव हरियाणा में भी 2019 में साथ हो, तो आप इसके लिए तैयार हैं? हम तो सैनिक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, जनता के बीच में रहते हैं जी, 24 घंटे तैयार रहते हैं जी, हर स्थिति के लिए 24 घंटे तैयार हैं जी। और चेहरा आपका अगर हरियाणा में बात करें तो क्या मनोहर लाल खट्टर जी ही चेहरा होंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के 2019 की जंग की अगर हरियाणा की बात करें? चुनावी जंग बूथ पर लड़ी जाती है जी, बूथ का कार्यकर्ता ही मेरा चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होगा या मायावती जी? ये मजाक आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप इसको आप कह रहे हैं कि ये मजाक है, उनके मुकाबले में कोई नहीं? मैंने कुछ कहा ही नहीं, आप इनसे पूछ लीजिए कोई है। धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, बच्चों के सवालों का दिया, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। और ये मंच ऐसा है सरकार से संवाद कि हम ना सिर्फ हमारे सवाल होते हैं, जनता के सवाल होते हैं, बच्चों के सवाल होते हैं, ताकि एक राइट प्रस्पेक्टिव और एक सच्ची बात जो है, जिसको कि हम लोग जी मीडिया, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल जो है लगातार रखते आए और रखते रहेगा, तो वो बात क्लियर हो, साफ हो, लोगों के सामने ये बात स्पष्ट हो। दिनेश जी बहुत आनंद आया, और आपके साथ और सबके साथ मिलकर के सवाल जवाब करते हुए बहुत अच्छा लगा, और मुझे खुशी हुई कि हमारे जो स्कूल के स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनके भी जो देश के प्रति जो सोच और चिंता है वो बहुत ऊंचे स्तर की है, और इस पीढ़ी पर मुझे बहुत भरोसा है कि ये पीढ़ी आते आते ये मेरा देश दुनिया के अंदर सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी मीडिया, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की यही कोशिश रही है कि ग्राउंड जीरो पे जाकर लोगों की बात, लोगों के इशू सच और सच्चाई के साथ जो है आपके सामने रखता रहे। और स्वाति से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑनलाइन सवाल भी ले और इसको समाप्त करें। ऑनलाइन के जरिए भी कुछ लोगों ने हमारे पास सवाल भेजे अपने, और हिसार से रजनीश का सवाल है कि कच्चे कर्मचारियों की पॉलिसी को कोच ने कैंसिल कर दिया है, उसका आगे क्या होगा? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसकी अभी सरकार के स्तर पर और कानूनी राय मशवरा उस पर चल रहा है, उसकी समीक्षा हो रही है, उसमें क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, या जो पक्के कर्मचारी हो चुके हैं वो कम से कम ना हटें, उसके लिए कोई ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है या विधानसभा में कोई कानून बनाया जा सकता है। अब हम कोई ऐसा कदम नहीं करना चाहते जिससे, क्योंकि इसके बाद फिर कोई कानूनी रास्ता बचेगा नहीं, ये अंतिम विकल्प है, अंतिम रास्ता है। तो इसमें जो भी हमारे जो पक्के कर्मचारी या कर्मचारी हैं, हमारे कच्चे कर्मचारी, उनके हित में जो सही फैसला हो, और सर्वोपरि है कि राज्य के लोगों का हित, उसमें जो फैसला हो उसमें हम विचार विमर्श करके ही अपनी कार्रवाई करेंगे जी। इसके साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आगे के कार्यक्रम को बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी मोनिका। ओवर टू यू मोनिका। थैंक यू स्वाति, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अब वक्त है धन्यवाद करने का तमाम जो स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को और खास बनाया है। हमारे स्पॉन्सर्स हैं सरकार से संवाद प्रेजेंटेड बाय माइक्रोटेक टेक्नोलॉजी विलेव, एसोसिएट स्पॉन्सर बॉर्न ईट प्योर बी श्योर, वेन्यू पार्टनर भवन विद्यालय पंचकुला, लर्न लेबर लीड। और अब मैं चाहूंगी कि फेलिसिटेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं चाहूंगी कैप्टन अभिमन्यु और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करें। एक बार जोरदार ताली हमारे स्पॉन्सर्स के लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम को और खास बनाया है। बॉर्न की तरफ से मैं मिस्टर अशोक को मंच पर बुलाना चाहूंगी। मिस्टर अशोक प्लीज मंच पर आए, एक बार जोरदार तालियां स्पॉन्सर्स के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट। तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए, शुक्रिया आप सभी का। भवन विद्यालय पंचकुला की तरफ से मैं सेक्रेटरी कुलभूषण गोयल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, और साथ साथ मैम गुलशन कौर प्लीज आप मंच पर आए, एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। थैंक यू सो मच भवन विद्यालय फॉर योर कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट, एंड वी वर एबल टू मेक दिस पॉसिबल। मैं चाहूंगी कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक हमारे मेन गेस्ट हमारे आज के वित्त मंत्री जी को फेलिसिटेट करें। कैप्टन अभिमन्यु जी आप हमारे बीच आए और आपने इस कार्यक्रम को और खास बनाया। थैंक यू सो मच जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की तरफ से, अचोक उन्नफ्लाव।
आप आए, कीमती वक्त आपने निकाला, थैंक यू सो मच। और मैं अंत में तमाम स्टूडेंट्स का, ऑडियंस का, ऑल मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द स्कूल पंचकुला एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहूँगी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने हमेशा सच के साथ, सच्चाई के साथ तमाम मुद्दों को उठाया है। हम ना सिर्फ मुद्दों को उठाते हैं बल्कि उन्हें अंजाम तक भी पहुंचाते हैं, यानी कि खबर मतलब जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। इसी के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।